हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पोंग स्पैरो में। दोस्तों, एचपी हाई कोर्ट हिमाचल प्रदेश की तरफ से प्रोसेस सर्वर के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था 5 मई 2019 को, जिसके आंसर की अभी तक तो आनी है, लेकिन इस पेपर को सॉल्व किया गया है मेरे द्वारा। अगर आपने ये एग्ज़ाम दिया था तब तो आपने अपने मार्क्स काउंट कर लिए हैं, लेकिन अगर आपने ये एग्ज़ाम नहीं दिया था तो आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं, क्योंकि हो सकता है आने वाले किसी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन रिपीट किए जाएं। चलिए शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर। दोस्तों, ये 50 नंबर का पेपर था और 1 घंटे में ये करना था। इसमें सिर्फ 50 क्वेश्चन जीके के ही आए थे। फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, बट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ इसरो। दोस्तों, इसरो की फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो कि इसका डी ऑप्शन सही था। सेकंड क्वेश्चन, नेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रिसेंटली एक्सपायर्ड ऑन सॉरी नेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रिसेंटली एक्सपायर्ड ऑन 16 अगस्त 2018। तो वो थे अटल बिहारी वाजपेयी, सी ऑप्शन। 16 अगस्त 2018 को इनका निधन हो गया था, अटल बिहारी वाजपेयी। लोकसभा इलेक्शंस बीइंग हेल्ड इन इंडिया, कितने फेस में लोकसभा के इलेक्शन होने जा रहे हैं? तो सभी को पता है 7 फेसेस में इलेक्शन होने जा रहे हैं और हिमाचल में 7वें फेस में इलेक्शन होंगे। डी ऑप्शन इसका सही रहेगा। फोर्थ क्वेश्चन, हाउ मैनी आवर इन द ग्रीनविच मीन टाइम बिहाइंड द इंडियन स्टैंडर्ड। दोस्तों, GMT का टाइम इंडिया का टाइम 5.5 घंटे आगे है, यानी कि सी ऑप्शन, 5 आवर एंड 30 मिनट्स। फिफ्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनेट ब्राउज़र। क्रोम, फायरफॉक्स और सफारी, ये सभी इंटरनेट ब्राउज़र हैं, एप्पल ब्राउज़र नहीं है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द मॉडर्न वंडर ऑफ द वर्ल्ड प्रेजेंट इन इंडिया। दोस्तों, ताजमहल हम जाते हैं जैसे कि दुनिया के 7 अजूबे, उनमें से ताजमहल एक है। द सीरियल ब्लास्ट विच किल्ड ओवर 200 पीपल इन वेरियस चर्चेस एंड 5-स्टार होटल्स टुक प्लेस इन रिसेंटली 21 अप्रैल 2019। दोस्तों, ये बिल्कुल लेटेस्ट करंट अफेयर पूछा गया था। 21 अप्रैल 2019 को श्रीलंका में धमाके हुए थे, जिसमें बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो इसका सही आंसर रहेगा श्रीलंका, सी ऑप्शन। हाउ मैनी प्लैनेट्स आर देयर इन सोलर सिस्टम आफ्टर 2006। तो दोस्तों, 2006 में प्लूटो को बाहर कर दिया गया था सोलर सिस्टम से, तो अभी 8 प्लैनेट हैं, मरकरी, नेपच्यून, मरकरी, वीनस, अर्थ, जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून और यूरेनस। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। वेन इज़ द वर्ल्ड अर्थ डे सेलिब्रेटेड। दोस्तों, वर्ल्ड अर्थ डे 22 अप्रैल को मनाया जाता है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। वेन वाज द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव विद द प्राइमरी गोल ऑफ मेकिंग इंडिया ए ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब लॉन्च्ड। इसने पूछा है कि मेक इन इंडिया भारत में कब लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों, ये 25 सितंबर 2014 को लॉन्च किया गया था। इसका करेक्ट आंसर ए ऑप्शन रहेगा, 2014। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन एयरलाइन हैज़ ग्राउंडेड ऑल इट्स स्टाफ एंड एरोप्लेन्स ड्यू टू ह्यूज डेब्ट्स इन 2019। दोस्तों, जेट एयरवेज, ये भी अभी हाल ही में 21 अप्रैल की खबरों में आ रहा था जेट एयरवेज, ये भी करंट अफेयर में पूछा गया है, ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। 12th क्वेश्चन, हु इज द प्रेजेंट CJI ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जस्टिस रंजन गोगोई, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। 46th नंबर पे CJI हैं अभी इंडिया के। द बिलियनियर ज्वेलर नीरव मोदी डी फ्रॉडेड बीच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन बैंक। धोखाधड़ी का केस जो नीरव मोदी ने किया था, वो किस बैंक के साथ चला है? तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर पंजाब नेशनल बैंक है, PNB, सी ऑप्शन 13 का सी। विच इज़ द पेरेंट कंपनी ऑफ विस्तारा एयरलाइंस। दोस्तों, टाटा एंड सन्स, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। विस्तारा एयरलाइंस की पेरेंट कंपनी टाटा सन्स है।
हु इज़ द प्रेजिडेंट ऑफ अमेरिका फ्रॉम 20 जनवरी 2017। तो दोस्तों 20 जनवरी 2017 से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। 16th question, हु इज़ द सुप्रीम लीडर ऑफ नॉर्थ कोरिया। दोस्तों ये पिछली बार भी पूछा गया था, नॉर्थ कोरिया का सुप्रीम लीडर किम जोंग उन है, ये ऑप्शन किम जोंग उन। एक्वायर्ड अमीनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम एड्स इज कॉज्ड बाय इन्फेक्शन ऑफ विच वायरस। दोस्तों एड्स का वायरस पूछा गया था, एड्स का वायरस है सी ऑप्शन ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। बट इज़ द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया, टाइगर बंगाल टाइगर इंडिया का नेशनल एनिमल है। हु इज़ द सक्सेसर ऑफ नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं, हुमायूं के बाद अगला राजा कौन बना था। तो वो हम जानते हैं अकबर, 1556 में अकबर राजा बना था हुमायूं के बाद। 20th question, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पीक्स इज नॉट इन इंडिया। माउंट एवरेस्ट इंडिया में नहीं है, ये नेपाल में है सी ऑप्शन, माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। 21, वेन डिड हिमाचल प्रदेश अचीव फुल स्टेटहुड। दोस्तों 1971 स्टेटहुड बी ऑप्शन। विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी सतलुज नदी है। इन विच डिस्ट्रिक्ट इज़ द लेक सूरजताल लोकेटेड, लाहौल स्पीति में सूरजताल और चंद्रताल झीलें। हु वाज़ द फर्स्ट गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश, एस चक्रवर्ती। वेयर इज रोरिक आर्ट गैलरी, वेयर इज रोरिक आर्ट गैलरी लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश। तो दोस्तों रोरिक आर्ट गैलरी कुल्लू में है, नगर कुल्लू में ए ऑप्शन। वेयर इज द गोल्फ कोर्स लोकेटेड इन शिमला, गोल्फ कोर्स शिमला में कहाँ पर है। तो दोस्तों इसका आंसर नालदेहरा बी ऑप्शन। 27th question, देन बाद शिमला म्यूनिसिपल कमेटी सेटअप। दोस्तों मान के चल रहे हैं कि 1952 सही हो सकता है, लेकिन जो करेक्ट है शिमला म्यूनिसिपल कमेटी दिसंबर 1851 में बनी थी, तो ये क्वेश्चन गलत है। वेयर इज़ द शोभा सिंह आर्ट गैलरी, अंदरेटा पालमपुर कुल्लू। दोस्तों इसका शोभा सिंह आर्ट गैलरी अंदरेटा में है जो कि पालमपुर में है ये ऑप्शन। 29, बट वाज द अर्लियर नेम ऑफ एडवांस स्टडीज इंस्टीट्यूट, बायस रीगल लॉज सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। विच इज़ द हाईएस्ट पीक इन हिमाचल प्रदेश। दोस्तों शिला इसकी हाइट 7026 मीटर है। विच रिवर इज एसोसिएटेड विद नाथपा झाकड़ी हाइडल प्रोजेक्ट सतलुज, नाथपा झाकड़ी हाइडल प्रोजेक्ट सतलुज नदी पर बना है। 32, हु इज़ पॉपुलरली नोन एज पहाड़ी गांधी, पहाड़ी गांधी नाम से प्रसिद्ध बाबा कांचीराम। बट इज़ अप्रोक्सीमेट एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश इन स्क्वेयर किलोमीटर्स। दोस्तों ये है 55,673। आगे का पेज दोस्तों मिस हो गया, उसके लिए सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बट इज़ द स्टेट फ्लावर ऑफ हिमाचल प्रदेश। दोस्तों वो है पिंक रोडोडेंड्रन यानी कि गुलाबी बुरांश। हु इज़ द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश, आचार्य देवव्रत। हाउ मैनी सीट्स आर देयर इन हिमाचल प्रदेश विधानसभा, विधानसभा में 68 सीट्स हैं। वेन इज़ द हिमाचल डे सेलिब्रेटेड, दोस्तों 15 अप्रैल, क्योंकि 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था। हु इज़ द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ऑफ शिमला, ये आंसर है श्री राजीव भारद्वाज बी ऑप्शन, श्री राजीव भारद्वाज। और श्री अरविंद मल्होत्रा इनके पास फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के डिस्ट्रिक्ट जज हैं शिमला में। हु इज़ द अटर्नी जनरल ऑफ हिमाचल प्रदेश,
दोस्तों अटर्नी जनरल को वैसे स्टेट में एडवोकेट जनरल कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश के एडवोकेट जनरल हैं श्री अशोक शर्मा, ये हमीरपुर ज़िले से संबंध रखते हैं। हु इज़ द चीफ सेक्रेटरी ऑफ टू द गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश? दोस्तों चीफ सेक्रेटरी हैं बी के अग्रवाल, पूरा नाम है ब्रिज कुमार अग्रवाल। 47. हु इज़ द एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश? जो हैं सुरेश भारद्वाज। वेन वाज द हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश? दोस्तों हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश हुई थी 1970 को, 22 जुलाई 1970 को। 49th क्वेश्चन, वेयर इज़ द घटोत्कच ट्री टेम्पल लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश? दोस्तों घटोत्कच मंदिर मनाली में है। घटोत्कच का संबंध डुंगरी देवी से है, यानी कि हिडिंबा देवी से है, तो इनका मंदिर भी मनाली में है। हाउ मैनी सीट्स आर देयर इन पार्लियामेंट फ्रॉम हिमाचल प्रदेश? दोस्तों पार्लियामेंट में कितनी सीट्स हैं? पैसे तो हम जानते हैं, पार्लियामेंट के दो सेशन हैं, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा में 3 सीट्स हैं और लोकसभा में 4 सीट्स हैं, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया है। कुछ कैंडिडेट से बात हुई थी तो उनका कहना था कि लास्ट ईयर के एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन आया था और उसमें 4 सीट्स को करेक्ट आंसर बताया गया था, आंसर की के अकॉर्डिंग, ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग। तो हम यहाँ पर भी फोर्थ यानी कि 4 सीट्स को सही मानेंगे, बी ऑप्शन को करेक्ट मानेंगे। दोस्तों इसके अलावा जो कुछ एक क्वेश्चन छूट गए थे वो क्वेश्चन थे, रावी नदी का वैदिक नाम पुरुषनी जिसका आंसर था। उसके अगला क्वेश्चन था हिमाचल प्रदेश के कितने ज़िले हैं? सभी जानते हैं कि 12 जिले हैं। चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश कौन थे? यशवंत सिंह परमार, सभी जानते हैं। पहले गवर्नर हिमाचल प्रदेश के एस चक्रवर्ती। चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश, फर्स्ट चीफ जस्टिस मिर्जा हमीदुल्ला बैग। वेयर इज़ द हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट कहाँ पर है? शिमला में। बट इज़ द स्टेट एनिमल ऑफ हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश का स्टेट एनिमल है स्नो लेपर्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसी ही वीडियोस आपके लिए लेके आता रहूँगा, जब भी नई वीडियो डालूँगा तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए, इसलिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।